मुस्लिम तंजीम इकरा टीचर्स एसोसिएशन द्वारा रविवार को 14वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। यह संस्था विगत 14 वर्षों से जरूरतमंद विद्यार्थियों की आर्थिक मदद करते हुए आ रही है। यह संस्था स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनकी मदद करती आ रही है। आज इस संस्था के स्कॉलरशिप पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे संस्थानों में कार्यरत हैं या बिजनेस में अपना नाम कमा रहे हैं। इस संस्था से स्कॉलरशिप लेने वाले लोग आज अपनी संस्था के माध्यम से कई विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इल्म ही एक ऐसी ताकत है जो कि एक स्वस्थ सुंदर समाज की रचना करती है, और इल्म के कारण ही देश तरक्की करता है। जी बताइए, किस प्रकार के कार्यक्रम? मैं जूही खातून, मैं यहाँ पर 10 साल से इकरा कमेटी से जुड़ी हुई है। इकरा एसोसिएट टीचर कमेटी है, जो गरीब बच्चे जो पढ़ने में अच्छे रहते हैं लेकिन वो अपने आर्थिक स्थिति के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं, जो तो ये कमेटी ऐसे है कि जो हमारे मुस्लिम समाज के जो हैं बच्चे लोग हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करती है। उसमें से मैं भी पढ़ी हूँ, मैं यहाँ की फर्स्ट कैंडिडेट हूँ। मेरे को यहाँ से जुड़े हुए 14 साल हो गए हैं आज। हाँ, आज 14 साल पूरे कंप्लीट है। 2010 में मैं पहली कैंडिडेट थी और ये रमज़ान शरीफ में शुरू हुआ था, 2010 के अक्टूबर माह में चालू हुआ था, और माशाल्लाह अभी सब 28 बच्चे और भी हो गए हैं। ये प्रोग्राम हमारी इकरा टीचर एसोसिएशन तंजीम जो है पिछले 14 सालों से लगातार करती जा रही है, जिसका असल मकसद है अपने मुल्क की तरक्की। क्योंकि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बसते हैं, लेकिन उसमें जो एक मुस्लिम तबका है वो जो है बद से बदतर हालत में है। उसकी सियासी ज़िंदगी हो या माशी ज़िंदगी हो या माली ज़िंदगी हो, हर शोबे में वो पिछड़ा चल रहा है। इस चीज़ को हम टीचरों ने सोचा कि ये हमारे मुल्क की ये जो है कड़ी कमज़ोर है, इसकी फलाह व बहबूदी के लिए हम लोग उन बच्चों को जो है जो माली हालत उनकी पढ़ने में नहीं है, उनके वालदेन उन्हें पढ़ा नहीं सकते लेकिन पढ़ने में टैलेंटेड हैं, उन बच्चों को हम लोगों ने एडाप्ट करना यानी उन्हें गोद लेना हम लोगों ने शुरू किया। आवाज़ जो है हम लोग, ये 14वां प्रोग्राम है, हम लोग उनको मुतवातिर जो है गाइड करते हैं और उनको जो है हम लोग अपने मतलब माली तंजीम के माली पैसों से उनकी जो है फ़ीस अदा करते हैं। यानी कि उसमें सब टेक्निकल बच्चे हैं हमारे, एकेडमिक नहीं है, टोटल टेक्निकल हैं। ITI, BTech, MTech, MCA, BCA, पॉली, तमाम नर्सिंग यानी मेडिकल शोबा अगर छोड़ दें तो हम कहें कि सभी शोबे के बच्चे अभी पढ़कर निकल चुके हैं और पढ़ रहे हैं। आज के डेट में 28 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें डी फार्मा, बी फार्मा, सारे सिलेबस मेडिकल के छोड़कर सारे सिलेबस के बच्चों को हमारी तंजीम पढ़ा रही है। और हमारा वाहिद मकसद है अपने मुल्क की तरक्की, और तरक्की जब ही मुमकिन है जब ये कौम तालीम में बेहतर होगा, और जब इसका तालीम सुधरेगा तो इसका सियासी ज़िंदगी भी सुधरेगा, इसका माली ज़िंदगी भी सुधरेगा और इसका सेहती ज़िंदगी भी सुधरेगा। यानी तालीम ही एक ऐसी कड़ी है जिसके बदौलत ये हर शोबे में कामयाब होगा और हमारे मुल्क की तरक्की होगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है, उन दबे कुचे बच्चों को आगे लाना, उनको तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना और अपने मुल्क को आगे बढ़ाना। ये काम 2006 से करता आ रहा हूँ। 3 साल तक हम लोगों ने इसको इंडोर चलाया, गरीब बच्चों के लिए कपड़े, ड्रेस, बुक्स, सारी चीज़ें मुहैया कराते थे। लेकिन 3 साल के बाद 2010 में हम लोगों ने इसको जो है आउटडोर यानी बाहर हम लोगों ने इसको शुरू किया और लोगों के बीच में इसको फैलाया कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग हम लोग को ताउन करें ताकि हम और बच्चों को मदद करें। तब लोगों ने हमको ताउन करना शुरू किया और हम लोगों ने वहीं से हमारी जो है परवाज जो है चढ़ी, और आज तक हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखें। आज इस इलाके में दुर्ग, भिलाई, रायपुर के खित्ते में करीब 200 से 300 बच्चे ऐसे हैं जो इस तंजीम के कफालत से पढ़कर आज नौकरियां कर रहे हैं, और नौकरी करके वो भी अब वो जो है ज़कात देने के अहल हो गए हैं। उसका जीता जागता आज के दिन बच्चों ने हमको जो है ज़कात हमारी तंजीम को फराहम कराया, और हमें इससे बड़ी खुशी है। हम जो सोच के चले थे आज मुझे उससे कामयाब
कामयाबी दिख रही है कि वो बच्चे जो कल ज़मीन पे बिखरे हुए थे उनकी हालात बस से बदतर थी, क्योंकि जब हमने उनको अडॉप्ट किया था उनके घर की माली हालात ऐसी थी एक वक्त खाना एक वक्त फाके करना, लेकिन आज वो अपना खा रहे हैं और अपने गैर भाई जो गुर्बत में हैं उनको मदद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं हो सकती है। ये इकरा टीचर्स एसोसिएशन जो है ये उन बच्चों की मदद करता है जो बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई करने में उनको तकलीफ़ हो रही है, उनके माली हालत ऐसे नहीं है कि वो आगे पढ़ सकें, उनकी मदद करता है। तो ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और उन बच्चों की हौसला अफजाई करता है जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, कि बच्चों का कि आगे जो है जाके बच्चे जो हैं कोई उनका एक एम हो तो उनकी हौसला अफजाई करता है। एक बहुत अच्छा कार्य है और कि इससे जो बच्चों का जो रुझान है वो इल्म और तालीम के लिए होगा। आज करीब करीब 50 बच्चों का सम्मान किया गया, ये 15 सालों से ये कर रहे हैं और ये 15 सालों से उनका ये कार्य चल रहा है। और ये टीचर्स जो हैं अपने ही जो फंड जो है वो रेस करके अपने तो इकट्ठा करके कंट्रीब्यूट करके वो एक कार्यक्रम कराते हैं, तो बहुत एक अच्छा काम है। और जो एक उस्ताद एक गुरु अगर ऐसा कर रहा है तो और उसमें ईश्वर उनकी और मदद कर रहा है।